Good morning to all of you. Myself Rajnipal, and I'm belong to Ambala city from Haryana. Now recently I complete my BCom from KUK University, and now I'm doing MCom. टीचिंग में मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है टीचिंग लाइन में. तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका हम टॉपिक पर आते हैं. आज मैं आपको मैथ कराने वाली हूँ. मैथ में मेरे पास मैं आज आपको कराऊंगी फंडामेंटल ऑपरेशंस. ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होता है देखते हैं. फंडामेंटल ऑपरेशंस में 4 चीज़ें आती हैं. ऐड मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ठीक है, तो ऐड क्या होता है हमारा, वही सम करना या जोड़ करना. आज हम ऐड करना ही सीखेंगे. तो ऐड क्या होता है हमारा, सम, जोड़, प्लस, है ना, ये सब. तो इसका साइन होता है ये वाला, देखिए ये जो प्लस का साइन है इसको हम प्लस भी बोलते हैं. ये होता है हमारा जोड़ का या ऐड का साइन. अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगी. सिंपल ऐड तो सब कर लेते हैं सम. ठीक है, बात आती है कैरी वाले सम की. तो सिंपल सम तो जैसे हो गया 6 + 6 = 12, 4 + 4 + 3 = 7. ठीक है, लेकिन मैं अब क्या करवाऊँगी आपको, कैरी वाले सम कराने लगी हूँ. तो एक एग्जांपल ले लिया है हमने, जैसे 4 4 3 3 9 8 4. इधर नीचे लिखा है मैंने 6 4 3 and 3. अब हम एडिशन करते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हम कैरी लेते कहाँ से हैं. ठीक है, कैरी हम कहाँ से लेते हैं, 10 नंबर से स्टार्ट करते हैं हमेशा, और 10 नंबर के आगे जितने भी नंबर होते हैं उसमें हम कैरी ले लेते हैं. लेकिन 1 to 9 हम कैरी नहीं लेते. ठीक है, कि 1 से 9 तक जितने भी नंबर हैं उसमें हम कैरी नहीं लेते. तो अब हम ये करते हैं, 4 + 3 कितना होता है हमारा, 7 होता है. ठीक है, 7 7 लिख लिया, लेकिन 7 में कोई कैरी नहीं लग सकती. ठीक है, आगे देखते हैं 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है. राइट, 11. तो 11 का अब हम देखें, 11 का क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो 1 है इसको हम जो इसके साथ वाला नंबर होता है हमेशा उसी के ऊपर कैरी डालते हैं. तो हमने इसको दे दिया, इसके ऊपर 1 कैरी आ गया. अब देखिए 9 + 4 कितना होता है, 13 होता है. ठीक है, 9 + 4 13 होता है. तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 + 4 13, और जो एक हमारे पास कैरी का नंबर आया हुआ है जो हमें यहाँ से मिला है ये, इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे. 9 + 4 13, और एक ये कितना हो गया, 14. तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉरी 14. अब देखिए 14 नंबर है. ठीक है, इसका हम कैरी ले सकते हैं. ठीक है, 4 हमने यहाँ लिख दिया और 1 नंबर हमने इसके ऊपर डाल देंगे. ओके, अब 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है. ठीक है, तो 6 + 3 = 9, और ये जो 1 कैरी कर लिया इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. 6 + 3 = 9 और 1 = 10 हो गया. तो ये हमने लिख दिया 10. इस तरीके से हमारा जो है एडिशन या जो कैरी वाले क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं. ठीक है, कोई भी सम है इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं.